सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, मैं बाहर चला गया था इसलिए आपके लिए वीडियोस नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YT स्टूडियो के एक न्यू अपडेट के बारे में जो अभी अभी प्ले स्टोर पर आया है। तो फ्रेंड, मैंने सोचा कि आपके लिए इस पर एक वीडियो ही बना दी जाए, क्योंकि फ्रेंड मैं जो अपडेट करूँगा आपके सामने करूँगा इस वीडियो में, लाइव दिखाऊँगा आपको सब कुछ। और फ्रेंड, उस अपडेट के बाद हमें अपने YT स्टूडियो में क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, वो सब आपको इस वीडियो में आज पूरी तरह से लाइव दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना ताकि आपको वो अपडेट क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में मिल जाए। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव यूनिक ट्रिक्स। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड जो भी कुछ न्यू अपडेट होता है या कोई वीडियो होती है वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाती है। फ्रेंड, वीडियो आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वॉच कर लेना, और फ्रेंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अपडेट से पहले हमारा YT स्टूडियो कुछ इस तरह दिख रहा है। और फ्रेंड, आप देख सकते हो कि पहले हमारे जो एनालिटिक वाले ऑप्शन थे, वो सब कुछ कमेंट वाले, प्लेलिस्ट वाले, वीडियोस के ऑप्शन थे, वो नीचे आ गए थे। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि वो सारे ऑप्शन दोबारा से जो पहले वाला अपडेट था वैसा का वैसा जो है हो गया है। आप देख सकते हो कि हमारे जो डैशबोर्ड, वीडियो, प्लेलिस्ट, कमेंट, एनालिटिक्स जो हैं, सारे ऑप्शन पहले वाले अपडेट की तरह ही हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि आज 1 अक्टूबर है और आज की ही ये वीडियो है। तो फ्रेंड, अब मैं दिखाता हूँ आपको प्ले स्टोर में जाकर हमारा जो अपडेट आया है। फ्रेंड, हम जाते हैं प्ले स्टोर में, और फ्रेंड प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं YT स्टूडियो। फ्रेंड, मैं जैसे ही YT स्टूडियो सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर अपडेट आ गया है, 12 MB का अपडेट है। तो हम इसे अभी की अभी अपडेट कर लेते हैं। फ्रेंड, मैंने जैसे ही अपडेट पर क्लिक किया है तो बस यहाँ पर जल्द ही अपडेट हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और फ्रेंड, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो हमारी जो अपडेट है वो हो गया है, इंस्टॉलिंग होनी शुरू हो गई है। और फ्रेंड, हमें ओपन का ऑप्शन भी यहाँ पर दिख गया है। फ्रेंड, हम जैसे ही अब ओपन करेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि आपके सामने ही सब कुछ लाइव है। और फ्रेंड, अब आप देख सकते हो कि हमारा जो एनालिटिक वाले ऑप्शन जो सब कुछ ऊपर थे वो दोबारा से नीचे ही आ गए हैं। जो हमारा पहला अपडेट था यहाँ से दोबारा से हमें नीचे प्रोवाइड हो गए हैं। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पहले हमें यहाँ पर दिखाई देता था वॉच टाइम कि हमारा कितना आया लास्ट 28 दिन में, लेकिन अब हमको देखने को मिल रहा है इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट का एक ऑप्शन। फ्रेंड, यहाँ पर ये अपडेट आया है, एक तो देखने को मिल गया है कि हमें यहाँ पर इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस अपडेट के बाद। और फ्रेंड, हम जाते हैं एनालिटिक्स में। तो फ्रेंड, एनालिटिक्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि वैसे ही वैसे सब कुछ है जो बीच में एक अपडेट आया था, बारग्राफ वाला सिस्टम था। और हम जैसे ही अब यहाँ पर जाते हैं तो मैंने सुनने में आया था कि एक ऑप्शन हमें मिल रहा है रिटर्निंग व्यूज़ का, तो हम देखते हैं कि वो हमें भी ऑप्शन मिला है या नहीं मिला है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा भी वो रिटर्निंग व्यूअर्स वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है। और फ्रेंड, आपके YT स्टूडियो में ये ऑप्शन अभी आया है नहीं आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड, अपडेट यही है कि हमें ये वाला एक ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है रिटर्निंग व्यूअर्स का। और फ्रेंड, एक अपडेट वो है कि यहाँ पर हमें इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड, बाकी अपडेट सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन बस यहाँ पर एक अपडेट यहाँ पर अपडेट किया है कि हमें रिटर्निंग व्यूअर्स का ऑप्शन देखने को मिला है। और फ्रेंड, यहाँ पर किसी भी वीडियो का यहीं से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या है, CTR हमें यही कि वीडियो के नीचे ही प्रोवाइड करवा दिया गया है। और फ्रेंड्स, आगे YT स्टूडियो कुछ ऐसे अपडेट लेकर आने वाला है जिससे कि हमें क्रोम के डेस्कटॉप साइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, सब कुछ हमें YT स्टूडियो में ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आगे आने वाले अपडेट्स की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पहले इनको प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।